हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस सील्ड बाइक के हॉर्न को रिपेयर करने वाले हैं। देखिए, ये किस पूरी तरह से सील्ड है, इसमें कोई नट बोल्ट नहीं है। इसको ओपन करने के लिए हम इसको यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसकी जो कॉलर्स बनी हुई है, इन कॉलर्स को उठाते हैं धीरे धीरे से, वन बाय वन वो इसको ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सावधानी रखना होगी आपको स्क्रू ड्राइवर को यूज़ करते वक्त, आप चाहे तो दस्ताने पहन सकते हैं। आपको हल्के हल्के एकदम पास पास से उठाते उठाते इसको जाना है पूरी तरह से, ये ओपन हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियोस, इस टाइप के वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं, मैकेनिकल्स टेक्निकल्स, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल पर इसी टाइप के टेक्निकल वीडियोस अपलोड करता हूं मैं, जो जिस टाइप के वीडियोस कोई नहीं बनाता, उस टाइप के वीडियोस आपको मेरे चैनल्स पर मिल जाएंगे। थोड़ी सी इसको ओपन करने में दिक्कत आती है क्योंकि मशीन के थ्रू प्रेस किया हुआ रहता है। ये देखिए, काफ़ी थोड़ा सा ढीला हो गया है। अब हम इसको कोई नुकीली चीज़ की सहायता से इसको ओपन कर लेते हैं। आप चाहे तो प्लायर का यूज़ भी कर सकते हैं, प्लायर से इसकी कॉलर्स को जो है वो सीधा कर लीजिएगा, और उसके बाद में ये इजीली आसानी से ओपन हो जाएगा। देखिए, ये घूमने तो लगा है, एकदम थोड़ा सा फ्री हो गया है। इसके बीच में जो आप जितनी कॉलर जितनी सीधी होगी उतना इजीली ये बाहर हो जाएगा। देखिए, ये हम इसको टेस्टर की सहायता से इसको ओपन कर रहे हैं। ये बहुत इजी, देखिए ओपन हो गया है। अब इसमें ये जो एक मैग्नेटिक कॉइल्स होती है, एक कट ऑफ पॉइंट होता है जिसमें एक पत्ती को प्रेस करने पर वो उसे कॉन्टेक्टर इसका डिसकनेक्ट हो जाता है। देखिए, इसमें एक मैग्नेट लगा हुआ है, जब इसमें पावर सप्लाई होता है तो ये मैग्नेट बनता है, तो ये पत्ती को छोड़ देता है। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कार्बन आ जाता है, जिसकी वजह से ये हॉर्न सही वर्क करना बंद कर देता है। ये आप एक रेजमा, ये जिसको सैंड पेपर बोलते हैं, वो सैंड पेपर को लीजिए और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रखने के बाद में इसको आगे पीछे थोड़ी देर करना है। इसको ये आप पकड़ के खींच सकते हैं, उससे स्क्रैच आ जाएंगे और आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और आपका हॉर्न प्रॉपरली फिर से काम करने लगेगा। इस पत्ती को हल्के हाथ से दबाइए और आप इसको आगे पीछे कीजिए। सैंड पेपर आप चाहे तो थोड़ा देखिए, इसको बार बार इस टाइप से करना है। अगर पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद में ये जो ऊपर वाला है इसको भी आपको रेजमाल या सैंड पेपर से थोड़ा सा घीस देना है। इसके अंदर इसमें कार्बन या जंग वगैरह हो तो वो बाहर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें हम एरल डाइट लगाएंगे और एरल डाइट से इसको वापस फिर से चिपका देंगे। ये हमारा हॉर्न क्लियर हो चुका है फिर से वर्क करने के लिए। देखिए, ये हार्डनर है और एक मैं इसमें रेगजिन मिला रहा हूँ। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में इस हॉर्न को चिपकाना है फिर से हमें, ताकि जो उसकी एयर लीकेज नहीं होगी, और एयर अगर लीकेज होगी तो हमारा हॉर्न वर्क नहीं करेगा, बजेगा नहीं ठीक से। इसलिए ये एरल लाइट लगाना ज़रूरी होता है। इसको दोनों को आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब इसको इस हॉर्न के
इस कॉलर के ऊपर यहाँ से लगाकर वहाँ पर पूरी कॉलर पर आपको लगा देना है। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं इसमें। देखिए, इसमें हमने एरल डाइट को पूरी तरह से इसमें लगा दिया है। जब आपका एरल टच पूरी तरह से लग जाए उसके बाद में इसको आपको वापस जैसा निकला था वैसा उसको फिट कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चूंकि ये हॉर्न कंपनी में प्रेशर मशीन के थ्रू सेट किया हुआ रहता है, इसलिए अब हमें इसे अपने हाथों से सेट करना पड़ेगा। तो थोड़ा जो एरल टाइट बच गया है उसको इसकी कॉलर्स के आइट साइड में लगा देना है, जिससे इसकी पकड़ और अच्छी हो जाएगी और आपका हॉर्न लीकेजिंग नहीं करेगा। वीडियोस को आप पूरा देखेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, आप उस पूरी चीज़ों को अच्छी तरह से गौर से समझ पाएंगे कि मैंने क्या किया है। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आप कुछ पॉइंट्स चूक सकते हैं, जिसकी वजह से आपका हॉर्न जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। ये देखिए, मैंने इसको फिट कर दिया है। अब हम इसकी जो कॉलर्स है, इस कॉलर्स को प्लेयर की सहायता से थोड़ा थोड़ा दबा देते हैं। आमने सामने के पॉइंट्स को आपको दबाना है ताकि आपकी जो प्लेयर्स है वो खिसके ना। जितना दबा सकते हैं आप उतना प्लेयर से दबाइएगा। उसके बाद इसको आपको प्रेस करना पड़ेगा। उस ये देखिए, इस टाइप से आप इस कोई पाना या कोई भी मेटल की चीज़ लेके इसकी कॉलर्स के ऊपर मारिए, हाथ खींचते हुए अपनी तरफ, उससे इसकी कॉलर्स बन जाएगी। मैंने ये एक 10 नंबर टी ली है, उस टी से इस पर चोट कर रहा हूँ, उसकी वजह से इसकी कॉलर्स अच्छी बन जाएगी और फिर इसको दबाने में बहुत आसानी रहेगी। ये देखिए, ऐसा इस टाइप से आप पूरी कॉलर्स बना लीजिए, इसको ठोक ठोक के हल्की हल्की। आप खींचती हुई मारिए, आप चाहे तो छोटी हथौड़ी का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके नीचे आपको एक हथौड़ा रखना है और जो कॉलर्स बनाई है आपने उसको बस ठीक इसी टाइप से प्रेस करना है। आप चाहे तो इसके ऊपर कोई हेवी चीज़ से भी प्रेस कर सकते हैं, लेकिन जितना आप हल्की चीज़ लेके उतना अच्छा प्रेशर होगा इसका। ध्यान रखें कहीं से आप इसके आपके जो कॉलर्स है वो कहीं से गैप ना रह पाए, इसलिए इसको अच्छी तरह से ठोकना होता है। पूरी तरह से इसको प्रेस कीजिए आप। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आती है जहाँ पर इसके पॉइंट्स हैं, इसके लिए आप चाहे तो इसके ऊपर कोई मेटल की रॉड रख के ऊपर से हथौड़े से प्रेस कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा हॉर्न कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।